चारों तरफ सन्नाटा छाया है, सबकी नजरें खूब बर्टन बर्गर पर टिकी हुई है क्योंकि वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है 10 ट्रक पर कूदने का। क्या तुम जरा यहाँ ध्यान दोगे डेनिस, मुझे एक लंबी छलांग लगानी है। मैं तैयार हूँ कूप। पता नहीं किसने मेरी छलांग खराब कर दी, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तुम कूप अंधेरा हो रहा है, सोने का समय हो गया। आ रहा हूँ डैड। क्या तुम ये भी देखोगे कि कैट भी घर पर आ जाए? आओ, क्यों नहीं डैड। तुमने मेरी छलांग खराब कर दी, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये लड़का कहाँ गया? कूप! पत्नी है डैड, दरवाजे बंद करने हैं, कैट अंदर जा चुका है। ऊपर वाली खिड़की। तुम तो काफी सुस्त हो। मिस्टर कैट, कूप, क्या तुमने मिस्टर कैट को देखा? शायद वो नीचे वाली लॉन्ड्री बास्केट में होगा। ठीक है, जानकर खुशी हुई कि वो सुरक्षित है। गुड नाइट। हाँ, लगता है आज रात तुम्हें बाकी बिल्लियों के साथ बाहर रहना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग आलसी बिल्ले, उठने का टाइम हो गया। ये क्या? मिस्टर कैट, तुम कहाँ हो? मिस्टर कैट! वो क्या था? वो एक कैट आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है। मिस्टर कैट! तो तुम यहाँ पर हो, मैं कितनी परेशान हो गई थी। हाँ, सुबह सुबह एक ताजे पेपर के सिवा और कुछ नहीं। क्या क्या बात है? कैट चेतन है, मेरे पास सबूत है। कूप ने मिस्टर कैट को पूरी रात बाहर रखा, अब देखो ये कितना कांप रहा है। ये सब एक नाटक है, मिस्टर कैट उसके आर्मी को मुझ पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा था। कूप, तुम्हारे कपड़े उनके पास क्यों हैं? पता नहीं, पर कुछ देर पहले वो बहुत खतरनाक लग रहे थे, उनकी आवाजें, उनके पंजे। खैर छोड़ो। इतनी सारी किटी। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से मिस्टर कैट ही इस घर के लिए काफी है। जाओ 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 जाओ। वैसे कैट आज थोड़ा अलग सा लग रहा है ना? वो तो रोज ही अलग लगता है। हमें मिस्टर कैट के लिए कुछ करना चाहिए डैडी, इसके लिए कूप के जेब खर्च से नया खिलौना खरीदते हैं। ओ मिली, सुझाव तो अच्छा है, पर मुझे उस दिन हाउस ऑफ स्वैप में भी कुछ मिला था। तारा! मिस्टर कैट को ये बहुत पसंद आएगा, देखो। लेकिन इसे इतनी जल्दी खराब मत करना। हाँ चलो मिस्टर कैट, अपने चूहे के साथ खेलो। तुम्हें अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए था। मिलते हैं। उस पर ध्यान मत दो मिस्टर कैट। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए काउबॉय जैसी बेहतरीन ड्रेस बनाई है। अच्छी है ना? अब बस चाबुक की कमी है। मैं अभी आई। Oh.
हाँ ये तो बंद है। हाँ ये तो अजीब बात है। मेरा रुकना ठीक नहीं, इसमें कोई अजीब बात नहीं कि कुछ बिल्ली मुझे देखकर लटक रहे हैं और घूर रहे हैं। ये भी बंद, पर क्यों? डैड, मिलर, डैड, अब तो मैं गया काम से। तो कैट, हाँ लगता है तुमने काफी सारे नए दोस्त बना लिए हैं। और तुम नया खिलौना उनके साथ शेयर कर रहे हो। हाँ अच्छी बात है। क्या हम एक सौदा कर सकते हैं? क्या मैं तुम्हारे पेट पर रब करूं? समझ गया, ना मंजूर है। अब तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ शैतान आर्मी। ठीक है, बहुत ही गंदा था। जरा संभल कर दोस्तों, तुम्हारे पीछे कैट आर्मी है। डरपोक। हम क्या कभी डरेंगे? मिल्लो से। डेनिस, डेनिस, कैट आर्मी अलर्ट, जल्दी दरवाजा खोलो। कैसे हो कूप, क्या हुआ? मैंने कैट को पूरी रात बाहर लॉक कर दिया था, अब उसने मेरे खिलाफ में कैट आर्मी बना ली है। क्या तुम जाना चाहते हो आर्मी में? क्या तुम्हें डांस क्लास के लिए जाना है कू? नहीं, कैट आर्मी हर जगह पीछा कर रही है, हर जगह मैं आऊँ, समझ गए? ओह, कैट आर्मी आ रही है, समझ गया। लेकिन तुम्हारे पीछे कैट आर्मी क्यों है? कैट ने पता नहीं उन्हें कुछ ट्रेनिंग दी है। फिर हम अपनी तरफ से उन्हें भी कुछ ट्रेनिंग देंगे। सही कहा। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? लड़ाई का मैदान। खिड़की की तरफ देखो, उनका ध्यान बटाना होगा। पर कैसे? मेरे लेजर पॉइंटर से। बात बन गई। लो इसे पकड़ो, इस रोशनी को पकड़ो बिल्लियों, पकड़ो पकड़ो। नहीं, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लेजर पॉइंटर की बैटरी बस खत्म ही होने वाली है। हो गई। ओ, प्लान बी। जल्दी तकिया दो। तो बोलो ये प्लान कैसा था? ओ, भागने का वक्त हो गया। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। लेकिन कहाँ? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई मेरे मोजों से। ओ बढ़िया, अपने पैर रगड़ो जल्दी। हे, ये क्या हुआ? सुनो, मैं उनका ध्यान बटाता हूँ। तुम इस खिड़की से बाहर जाओ और पूरी दुनिया को अपनी कहानी बताओ, जल्दी जाओ। नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर। ए! हाँ? पानी। हाँ, दादी माँ की याद आ गई। अगर वो होती तो यही चाहती कि हम इस कैट आर्मी को हरा दे। डेनिस, टब में घुस जाओ। हमला डेनिस। तो क्या हाल है मिस्टर कैट? मुझे लगता है तुम्हें अपने खिलौने के साथ थोड़ा टाइम खेलना चाहिए। क्या तुम ढूंढ रहे हो? इसे। वाह मिस्टर कैट, तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। तुम काफी अच्छे डांसर हो कैट। चलो डेनिस, हम अपने 10 टक की छलांग का रिकॉर्ड पूरा करते हैं। कैट, पास आओ बच्चों, इस फैमिली फोटो को शानदार बनाते हैं। जब तक ये कचरे का डिब्बा हमारे शॉट में है,
तब तक वो खूबसूरत कैसे हो सकती है? मिस्टर कैट इस फैमिली का एक खास सदस्य है। मिली सही कह रही है कोक, बस कैट को अपने छोटे भाई की तरह समझो क्योंकि वो अब तुम्हारे घर का ही एक सदस्य है। तो ठीक है बच्चों, कहो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हे! और ये फोटो तो है एकदम। वैसे इससे भी बुरा हो सकता था, पर पता नहीं क्यों मैं उस कैट से बेवकूफ बनकर थक गया हूँ डेनिस। अब वक्त है उसे सबक सिखाने का। ठीक है, मैं उसे इस रस्सी से बांधता हूँ, तुम उसे बॉक्स में डालो, फिर हम उसे साइबेरिया भेज देंगे। सही कहा, पर ये तो बताओ कि वो कहाँ है। क्या कहा? पर उसे तो यही कहीं होना चाहिए। ओ मर गए। मुझे मधुमक्खियों से एलर्जी है। नहीं तुम्हें नहीं है। मगर हो तो सकता है ना, और ये मैं आज ही महसूस नहीं करना चाहता। डेनिस, अच्छा सोचा। अगर डैड को ये लगे कि वो कैट से एलर्जिक है तो फिर तो उन्हें उसे दूर भेजना ही होगा। वाह, मैं तो सच में अकलमंद हूँ। चलो फिर अपना मिशन शुरू करते हैं डेनिस। इस पेपर से काम बनना चाहिए। ठीक है, अब उसे छोड़ दो। परेशान हो गया। आप ठीक है डैड? क्या आपको आपकी पुरानी एलर्जीज फिर से हो रही है? क्या मुझे कोई एलर्जीज नहीं है? ओह हाँ, सही कहा। पता है आपको रातों रात एक नई एलर्जी हो सकती है, हमने स्कूल में पढ़ा था। क्या कहा? रातों रात? पता नहीं किन चीजों से या फिर किन जानवरों से होती है ये एलर्जीज। जल्दी खुशी पाउडर फेंको, अब मैं इसे ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। पर डैडी, मिस्टर कैट तो हमेशा साफ सुथरा रहता है। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्द से जल्द स्क्रब से साफ कर देता हूँ। सुनिए डैड, जरा सा वहाँ पर भी। शुक्रिया बेटे, एलर्जीज में कोई चांस नहीं लेना चाहिए। क्या तुम मुझे वो डैंड्रफ खत्म करने वाला पाउडर दोगे? मिली, क्या तुम मिस्टर कैट को हॉल में ले जा सकती हो? आप मिस्टर कैट को घर से तो नहीं निकालोगी ना डैडी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा मिली। फिर से सोच लीजिए डैड, क्योंकि मैं इसके लिए एक अच्छा नया घर ढूंढ सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें बस बाकी की जिंदगी कैट को 6 बार नहलाना और पाउडर और स्प्रे करना पड़ेगा, और इस तरह मैं बिल्कुल ही मुझे गर्म पानी से नहाना चाहिए। डेनिस, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे इस्तेमाल करें। जहरीले पत्ते? क्या तुम्हें नहीं लगता हम उन्हें ज्यादा परेशान कर रहे हैं? इस दुनिया से बुराई मिटाने के लिए हमें कुर्बानी देनी ही होगी डेनिस, खास करके शैतान बिल्ले के लिए। मुझे माफ कीजिए डैड। गर्म पानी से नहाने से बढ़िया और कुछ नहीं। आज मुझे बाकी दिनों से अच्छा महसूस हो रहा है। क्या वाकई आपको खुजली नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा, कुछ एलर्जी जैसा?
नहीं, मैं तो अच्छा और तंदुरुस्त हूँ। खूब, क्या तुमने एलर्जी किताब में कुछ निशान लगाया था? सबसे खराब एलर्जीज जो फैमिली में होती है वो है बेटे को, और इसका यही इलाज है कि उसे कहीं दूर भेज दिया जाए, दूर दूर और बहुत दूर। ये तो बड़ा सख्त इलाज है। खैर जाने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो कैट से एलर्जी है, तुमसे नहीं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं बच्चे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैट तो यहाँ पर नहीं है, मुझे चाहिए एक टिश्यू। आ जाइए डैड। तो आओ खिलाड़ियों, अब खेल शुरू करते हैं। माफ करना बेटा, फिर किसी और दिन। आराम से सोना बेटे। फिर से नहीं। अरे नहीं, कूप ये तो सच है, मुझे कैट से कोई एलर्जी नहीं, मुझे तो एलर्जी है तुमसे। मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं? ये बदमाश बिल्ला मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकला। ये बड़ा बकवास है, अब मेरे डैड मेरे साथ कुछ भी करने से डरते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। खाने का वक्त हो गया कूप। क्या वाकई? मिलिए मेरे बहुत चालाक डैड से। उप्स। हालो बेटे। हाँ ये तो अच्छा सवाल है कूप, ठीक से पकड़ो ताकि मैं देख सकूं। ये लीजिए। खैर इसका जवाब या तो 5 होगा या फिर अफ्रीका। अगर तुम्हें अपने मैथ होमवर्क में मदद चाहिए तो मुझसे पूछ लेना बेटे। हाँ बिल्कुल डैड। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट बेटी। गुड नाइट डैड। ओ जरा एक मिनट। गुड नाइट बेटा। हेलो। ओह मुझे खुशी है आपने कॉल किया, मेरी एलर्जीज तो बहुत ही बुरी है। हाँ मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है, पर हम सबको कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ता है। मुझे कूप को अपने से दूर रखना ही होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंट बीट्रिक्स। कुछ नहीं, पिज्जा के लिए ऑर्डर दे रहा था नाश्ते के लिए। यकीन नहीं होता डैड मुझे बीट्रिक्स आंटी के साथ रहने भेज रहे हैं, वहाँ तो मैं लड़की बन जाऊंगा, मुझे अजीब खाना खाना पड़ेगा और औरतों वाले सीरियल्स देखने पड़ेंगे। बस अब तो हद हो गई, ये बदमाश बिल्ला इतनी जल्दी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, अगर मैं यहाँ से गया तो ये भी मेरे साथ जाएगा। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है, एक दबाव वाला हाइजीनिक सूट। मुझे इसके लिए एक माइक्रोवेव, एक हेयर ड्रायर और एक वॉशिंग मशीन आंट बीट्रिक्स को देनी पड़ी, पर ये सौदा अच्छा रहा। तो फिर आप मुझे कहीं नहीं भेज रहे? पता नहीं ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं डैड। हाँ अब सारी चीजें यहाँ बिल्कुल पहले जैसी ही हो जाएंगी। आप परेशान मत हो बच्चे, इसकी आदत पड़ने में तुम्हें बस कुछ हफ्ते, महीने या शायद कुछ साल ही लगेंगे। बस अब बहुत हुआ बदमाश बिल्ले। बस अब बहुत हुआ, फैमिली के लोग इस तरह झगड़ा नहीं करते। ये मेरी फैमिली नहीं, ये तो भद्दा जानवर है। सबको घुमा रहे हैं। मैं ठीक के बिना सांस ले सकता हूँ।
ये वाली नई फैमिली फोटो तो शानदार होने वाली है, मैं सच कह रहा हूँ। सब अच्छे दिख रहे हैं, चलो आ जाओ सब लोग, जादू का वक्त हो गया। एक दो तीन, हम तैयार हैं।